दुश्मनों की साजिश ध्वस्त करने वाले जनरल के खिलाफ अपनों ने की साजिश। विधायक दिनेश गोयल की चिट्ठी से खुली पोल। जिसे शाह भी मानते हैं अपना, जिसे मोदी भी लगाते हैं गले, उसी के खिलाफ कैसे रची गई साजिश। जनरल वी के सिंह के खिलाफ बीजेपी में क्या कोई गैंग बन गया है। एमएलसी दिनेश कुमार गोयल की एक चिट्ठी ने बीजेपी में बड़ा धमाका कर दिया है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह तक की नजरें गाजियाबाद बीजेपी पर टिक गई हैं। दिनेश कुमार गोयल ने चिट्ठी में लिखा है कि 17 दिसंबर को राज्यपाल सांसद अनिल अग्रवाल मेरे ऑफिस आए, उनके साथ विधायक अतुल गर्ग, सुनील शर्मा, अजीत पाल त्यागी, नंद किशोर गुर्जर और बीजेपी महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा भी आए थे। वे लोग संजीव शर्मा को महापौर पद का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। वे लोग मेरे ऑफिस अतिथि बनकर आए थे, इसलिए मैं उनकी बात का विरोध नहीं कर सका, लेकिन मैंने कहा है कि गाजियाबाद महापौर पद का प्रत्याशी तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगा कि मैं संजीव शर्मा के बहाने किसी और को टारगेट करना चाह रहे हैं। दरअसल इससे पहले 17 दिसंबर को दिनेश गोयल के कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर लिखा गया कि जो टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं वे जनप्रतिनिधि या अपने परिवार को किसी कार्यकर्ता से मिलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं से ये भी कहा गया कि वे टिकट के लिए किसी जनप्रतिनिधि या उनके परिवारों से ना मिलें। ये तो चिट्ठी में लिखी गई है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी लिखने का मकसद क्या था। दरअसल वी के सिंह की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी भारती सिंह और दोनों बेटियां ही क्षेत्र में मोर्चा संभालती हैं। वे ही कार्यकर्ता से मिलती हैं, उनके सुख दुख में साथ रहती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं। इस तरह से वे गाजियाबाद में काफी सक्रिय रहती हैं। ये बात राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल को नागवार गुजरती है, इसलिए उन्होंने संजीव शर्मा का नाम महापौर पद के लिए आगे किया है और उनके नाम पर सहमति बनाने के लिए गुटबाजी शुरू कर दी है। संजीव शर्मा वीके सिंह के काफी करीब माने जाते हैं, साथ ही वे साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा के लिए चुनौती भी है। अनिल अग्रवाल गाजियाबाद महापौर पद के लिए संजीव शर्मा का नाम आगे करके एक तीर से दो निशाने साधने की तैयारियों में जुटे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि संजीव तो एक बहाना है, दरअसल जनरल को निपटाना है। एक तो संजीव शर्मा का नाम आगे करने से सुनील शर्मा के रास्ते का कांटा हट जाएगा, दूसरा इससे वीके सिंह को इस चुनाव से दूर रखा जा सकेगा, जिसके कारण वे क्षेत्र से दूर रहेंगे। उनकी पत्नी और बेटी भी सक्रियता कम होगी इससे गाजियाबाद में अनिल अग्रवाल को खुला मैदान मिल जाएगा, जहां वो अपने हिसाब से बैटिंग कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसी बहाने वी के सिंह को निपटाने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए गाजियाबाद बीजेपी में गुटबाजी भी तेज हो गई है। कहने के लिए अनिल अग्रवाल ने वीके सिंह पर क्षेत्र के कार्यक्रमों में विधायकों को ना बुलाने का आरोप लगाया है, लेकिन अंदर खाने की बात ये है कि वो गाजियाबाद को मैदान खुला रखना चाहते हैं। इसके लिए वो चाहते हैं कि क्षेत्र में वीके सिंह की सक्रियता कम हो, कार्यकर्ता भी वीके सिंह की पत्नी और बेटी के साथ ज्यादा जुड़ाव ना रख पाए, इसकी तैयारी चल रही है। जब दिनेश गोयल को इनके इरादे ठीक नहीं लगे तो इन्होंने चिट्ठी जारी कर सारा रास खोल दिया। देखना होगा कि चिट्ठी से उठा सियासी तूफान कब थमता है। फिलहाल तो दिनेश गोयल ने चिट्ठी जारी कर अनिल अग्रवाल की फजीहत करा दी है। क्या आपको भी लगता है कि दिनेश गोयल के आरोप सही हैं और गाजियाबाद बीजेपी में कोई गैंग बन गया है जो वीके सिंह को निपटाना चाहता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।